चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अभी तक में क्लास में किसी को कोई दिक्कत आई है? सिस्टमेटिक ढंग से पहले आदमी आराम आराम से पढ़ते चलना है। अभी हम लोग पहले क्या देख रहे हैं? हिस्ट्री देख, ज्योग्राफी देख रहे हैं। ज्योग्राफी के बाद जब मंगलवार या बुधवार से हम लोग ज्योग्राफी के साथ साथ पैरेलल एक और सब्जेक्ट चालू कर देंगे, ताकि धीरे 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 हम लोग खत्म करके निपटा चुके रहेंगे, ठीक है। और करेंट अफेयर हम लोग मई से स्टार्ट करें। बहुत जरूरत से पहले वो करंट पढ़ लेंगे तो ज्यादा के उधरिया जाकर भुला जाते हैं, नहीं समझ आया। बहुत ज्यादा करंट पढ़ने से कुछ लड़का सब इतना ना करंट पढ़ लेता है, सब कंफ्यूज में रहता है, मोदी जी भी इंडिया में कि बाहर है टेंशन में रहता है, कहाँ है यार, अभी तो फिनलैंड में थे, चाइना है, कहाँ है, दिखता है कहाँ है, कंफ्यूजन में हो जाता है सब। अब हम लोग देखते हैं, कल हम आपको पढ़ा दिए थे ग्रहों के बारे में, हाँ याद तो होगा आप लोगों को। वैक्यूम क्लीनर, किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह घूमते हैं? क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में एस्टेरॉइड कहते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में? हाँ, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। किसी को दिक्कत? मंगल और बृहस्पति। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण किन दो ग्रहों के उपग्रह छीन लिया? बुध और शुक्र। सबसे गर्म ग्रह? सबसे करीब ग्रह। तापमान, दिन और रात के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर? बुध। बुध में दिन में 420 डिग्री सेल्सियस और रात में -180 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको? लड़ाकू विमान कोई दिक्कत? चलो इधर देखो ध्यान से। सबसे गर्म ग्रह? सबसे धीरे घूर्णन? भोर का तारा? नीला ग्रह? नीला ग्रह? लाल ग्रह? आयरन ऑक्साइड? कितने उपग्रह? सबसे छोटा? उसके बाद फोबोस। जीवन की खोज किस पर की जा रही है? मंगल। लेकिन पृथ्वी से सर्वाधिक समानता? शुक्र। पृथ्वी से सबसे करीब? शुक्र। पृथ्वी के बाद सबसे बड़ा? शुक्र। शुक्र उसके बाद कौन आता? मंगल। उसके बाद बुध। इसके बीच में क्या? एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या चीज? एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट बताइए, इस एस्टेरॉइड बेल्ट को गिरने से कौन रोकता है? बृहस्पति। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हाँ, वैक्यूम क्लीनर। क्या कहेंगे? वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह? सबसे बड़ा? इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। यूरोपा भी इसका एक ग्रह, इसका एक और ग्रह है यूरोपा। यूरोपा इसका उपग्रह है, याद रखिएगा। गैनीमेड, यूरोपा, हिमालय, हिमालय, याद रहेगा ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाते हैं। क्लास फ्री है क्या यार? तुम लोग को कितनों फीस कम कर दे, तुम लोग का आदतें नहीं खराब समझ में आता है यहाँ पे, बेवकूफ सबको। हाँ, फीस जिनको महंगा लगता है, एक बार आप दिल्ली जाओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार दिल्ली जाओ फिर तुमको समझ में आएगा वहाँ पर। हाँ हाँ, यहीं पे तुम पटना में एक दो जगह घूम जाओ, यहाँ पे फिर समझ में आएगा। यहाँ पे एगो जीरो बस बढ़ेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ। हाँ, अरे मत पूछो यार, सारे चीज को ध्यान में रखा जाता है बाबू। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे बढ़े। यूरोपा किसका उपग्रह? हिमालय। गैनीमेड। टाइटन उपग्रह? शनि। टाइटन उपग्रह? सात छल्ले। टाइटन उपग्रह, याद रहेगा कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं ना? पानी में तैर जाएगा। हरा ग्रह? हरा ग्रह? लेटा ग्रह? सबसे ठंडा ग्रह? सबसे दूर ग्रह? हरा ग्रह? आधुनिक ग्रह? लेटा ग्रह? कौन दो ग्रह जो उल्टा घूमते हैं? शुक्र और शुक्र तथा यूरोपा किसका उपग्रह? टाइटन। टाइटन। मीमास भी शनि का ही है, डियोन भी शनि का है, इसमें लिखा है कि नहीं? मीमास और डियोन दोनों किसके हैं? शनि। शनि का, हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, आपने टेंशन नहीं लीजिए, लिखा हुआ है बस। हम एक बार, टाइटन किसका है? यूरोपा। यूरोपा, गैनीमेड, हिमालया, डियोन, हाँ डियोन, मीमास, टाइटन, झुका हुआ ग्रह, आधुनिक ग्रह, मिथेन वाला और हरा रंग था मिथेन के वजह से हरा ग्रह, इसका उपग्रह मिरिंडा। कौन सा है? मिरिंडा। मिरिंडा एक है पुक, मिरिंडा पी, पुक भी याद रखा तो बस मिरिंडा ही पूछता है, मिरिंडा अरुण, मिरिंडा। लेकिन मिरिंडा तो हरा नहीं होता है, ऑरेंज होता है। ऑरेंज ऑरेंज ये ऑरेंज ऑरेंज वाला जूस ये सब लड़की पीती है सब, लड़का से तो लड़का ऐसा सोचता है कि उसको छेद हो जाए गटैये में। मिरिंडा क्या होता है? जलाद पूछा है, कितना बेचारा सीधा है। सीधा नहीं, अभी ये बुध ग्रह पे है। मिरिंडा किसका उपग्रह है? मिरिंडा। तुम बताओ झांसी की रानी, तुम ही ना, तुम झांसी की रानी है, तुम ये झांसी की रानी आई जो अभी झगड़ा की थी ये, हाँ ये कौन सा उपग्रह है? कौन सा ग्रह है जो पानी में नहीं डूबेगा? सबसे ठंडा, सबसे गर्म। सूर्य बोल रही है। शुक्र, सूर्य बोल दी है, ले फैक्ट्री ले जाओ। सबसे गर्म में फैक्ट्री ले जाओ, सूर्य ले जाओ। आगे बढ़े। मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना ठीक ठाक है, वहां पे लाल ग्रह है, वहां पे उसका झुकाव भी पृथ्वी के जैसा, हम 23.5 डिग्री पे हो 25 डिग्री पे। हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट है, उसके यहाँ ओलंपस पर्वत है। हमारे यहाँ कौन है? माउंट एवरेस्ट, और उसके यहाँ ओलंपस, मिक्स ओलंपिया। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा। आगे बढ़े। ज्वालामुखी भी है, ओलंपस, ओलंपस करके। आगे बढ़ जाते हैं। बृहस्पति पे जीवन संभव है? नहीं। शुक्र पे संभावना सबसे ज्यादा किस पे? मिरिंडा किसका उपग्रह? टाइटन। ट्रिटोन वरुण, ट्रिटोन नेसा, नेसो वरुण, ट्रिटोन वरुण, ट्रिटोन नेसो, ट्रिटोन, ट्रिटोन नेसो, मिरिंडा, मिरिंडा, टाइटन, टाइटन, यूरोपा, हिमालया, गैनीमेड, मीमास, शनि, मीमास, डियोन, मीमास, डियोन, टाइटन, ट्रिटोन, मिरिंडा, नेसो, यूरोपा, डिमोस, चंद्रमा, फोबोस, फोबोस मंगल, डिमोस और फोबोस मंगल। सब तो याद करा दिए जी आप लोग, गर्दा उड़ा दीजिएगा जिससे अगर सवाल आ गया तो। आ गया तो सबसे पहले छोड़िए, खोजिएगा एस्ट्रोनॉमी किधर है। सोच रहा आज ग्रहण लगा देते हैं उसी पर। क्या हो गया जी, हल्ला क्या करती हो? बोलो, चुपचाप पकड़ो लिया। अरे ऊपर से धूल गिर गया तो चिल्लाने लगी। ऊपर से धूल गिर गया। क्या गिर गया? उल्का पिंड गिर गया। बेवकूफ साहब। किसी के बैग में से चूहा निकल गया। अब इतना जोर से चिल्लाई है सब यहाँ पे जिसका कोई हद नहीं। लड़का रहता है सब ना तो लड़की और जोर से चिल्लाती है, अरे बाप रे। हाँ, जानबूझ के। एगो चूहा थोड़ा सा निकल गया कि इतना जोर से चिल्लाई, अकेले में रहती डायनासोर को दौड़ा देती हमने। हाँ, बेचारा चूहा मर गया होगा अभी तक। एक कोई लड़की थी, उसको कुत्ता दौड़ा दिया काटने के लिए। इतना जोर से चिल्लाई कि कुत्ता भाग गया। चलिए, ग्रह वगैरह याद हो गया। कितने लोग का आज फर्स्ट क्लास है? आज फर्स्ट क्लास है तो खैर आप लोग थोड़ा टुकु टुकु जब तक देखिए, ठीक है। ऑनलाइन में आप लोग देख लीजिएगा, हम वो एप्लीकेशन पे जाइएगा, ये क्लास सबको दिख जाएगा, शुरुआत के 3-4 क्लास, ठीक है। एप्लीकेशन पे आप सब लोग को दिख जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे उपग्रह जिसे क्यूप्रिक बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूप्रिक बेल्ट। और इसे एस्टेरॉयड बेल्ट, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड, और इधर में क्यूप्रिक बेल्ट। कौन सा बेल्ट? क्यूप्रिक बेल्ट। क्वेश्चन पूछेगा क्यूप्रिक बेल्ट कहाँ पर? अरुण के पास, वरुण के बाद। अब यहाँ भी एक ग्रह था, उपग्रह ग्रह था जिसका नाम था यम, प्लूटो या यम, प्लूटो या यम। सबसे बाद में 9वां ग्रह प्लूटो या यम था जिसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया क्योंकि उसका आकार बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड से भी छोटा था। ये कोई बात है? अरे ग्रह हो तो कम से कम एटिकेट, थोड़ा सा दबदबा बना के रखोगी। कौन ग्रह है कि उपग्रह से छोट हो? ये कोई बात है? लेबले नहीं था उसका, तो उसको कह दिया गया इसको ग्रह नहीं मानेंगे। जैसे इतना क्षुद्र ग्रह घूम रहा है बिना नाम गाम का, यो ससुरा घूमेगा बिना नाम गाम का। किसमें? क्यूपरिक बेल्ट में। पहले इनका आदर सत्कार होता था, प्लूटो ग्रह है, प्लूटो ग्रह। जाओ यहाँ से, ब्रेकअप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किस ग्रह का ब्रेकअप हो गया? हाँ, इसका आदर सत्कार खत्म, ब्लैक लिस्ट में डाल गया, ब्लॉक हो गया। कौन? कौन? तुम ब्लैक लिस्ट के नाम पे तुम कहे उदास हो गए। ये भी कहीं हुआ है लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जॉब होगा तो फिर निकल जाओगे तुम ब्लैक लिस्ट में से। फोन आएगा, हो गया क्या सिलेक्शन? आगे बढ़े। क्यूपर बेल्ट किसके बाद में पाया जाता है? प्लूटो, वरुण के बाद। किस ग्रह से ब्रेकअप हो गया सबका? तो क्या प्लूटो गायब हो गया? वहीं है, उसको कोई पूछ नहीं रहा। पहले हम लोग उसका हाव भाव खूब पूछे पाछ करते थे, वैसे वैसे इतना दुनिया भर का घूम रहा है, वैसे वो भी घूम रहा है, वही मेरे को घूम रहा है। प्लूटो इतनी चुकी था, यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे का समझ में आ गया कि नहीं? ग्रह उपग्रह सब समझ में आ गया। पृथ्वी पर अब आते हैं डिटेल से पढ़ने, पृथ्वी और उसके चंद्रमा। बाकी सब तो ये तो दूर दूर के चीज़ है, मेहमान है, मेहमान की तरफ पढ़ के निपटा दिए। आगे बढ़ जाए, एक बार सुपर फास्ट क्वेश्चन पूछ लें। रेडी हैं सब लोग? ये देखो एक रॉकी यादव, क्या ये क्लास लाइव है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देखो क्या ये क्लास लाइव है? इसको इस ग्रह के लायक नहीं है ये, इसको प्लूटो पे भेज दो। कहाँ भेज दो? प्लूटो पे। हाँ, सूर्य का सबसे देर में परिक्रमण वरुण। सबसे देर में सूर्य का वही ना करेगा, और सबसे जल्दी अपना चक्कर सबसे धीमा, सबसे जल्दी बृहस्पति। यूरोपा किसका उपग्रह? मिरिंडा। हाँ, मिरिंडा, ट्रिटोन, नेसो। हाँ, वरुण, नेसो, ट्रिटोन, मिरिंडा, इयोन, शनि, टाइटन, यूरोपा, हिमालय, गैनीमेड, फोबोस, डीमोस। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति, सबसे धीमा घूर्णन, सबसे जल्दी परिक्रमण बुध। हाँ, बुध। सबसे जल्दी परिक्रमण बुध। किसका परिक्रमण? सूर्य। सबसे देर में परिक्रमण। हाँ, सबसे ठंडा, सबसे गर्म, उल्टा घूमने वाले शुक्र। और बिना उपग्रह के सर्वाधिक उपग्रह शनि, बिना मान्यता प्राप्त में 92 को हो गया। हाँ, 92 उस, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं, मान्यता प्राप्त शनि का 21 को और बृहस्पति का 16 में। याद रहेगा। सबसे ज्यादा तापांतर बुध, दिन में झौंस जाएंगे रात में जम जाएंगे। एकरा में दिन हो या रात झौंस के मारेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? इधर आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं बोलिए। शनि का छल्ला पत्थर टुकड़ा ग्रह के ही टुकड़े हैं सब वहां पर। वो उसी का क्या हो गया? छल्ला बन गया। जैसे देखिए ये पूरे पृथ्वी का पूरे सौरमंडल का छल्ला है ना, तो वैसे ही इसके टुकड़े हैं सब यहाँ से। और ये टुकड़े इसी के इस ग्रह के टूटे हुए टुकड़े हैं सब, जो अगल बगल में क्या कर रहे हैं सब, घूम रहे हैं सब। अगल बगल में घूम रहे हैं सब, छोटे छोटे पत्थर हैं सब, ईंटा बराबर हैं सब। और वही दूर से देखने पे क्या लगता है? छल्ला। दूर से देखने में क्या लगता है? उसी के टुकड़े। कौन सा ग्रह नहीं डूबेगा? हाँ, सबसे ज्यादा घना तो नंगी आंखों से कितने ग्रह? हाँ, एगो पे हम खड़े हैं, लास्ट का दूगो दिखेगा नहीं। 8 में से 3 गया, 5। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उल्टा सुना देंगे। वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। पृथ्वी से नजदीकी के हिसाब से शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकार में बड़ा बता देंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? सिंपल नहीं है जी। एस्टेरॉइड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच? मंगल और बृहस्पति। क्यूप्रिक बेल्ट वरुण के बाद किस ग्रह को निकाल दिया गया? प्लूटो को हिंदी में यम, ओकरे पे यमराज चला है। यमे के ऊपर यमराज चला है, उसको निकाल दिया गया। क्या किया गया? निकाल दिया गया। समझ आ गया कि नहीं? कल एक लड़की क्वेश्चन पूछी थी, सर आप वरुण पढ़ा दिए, वरुण को निकालने दिया गया है। हम कहना बबनी, बस तुमको इतना याद था कि लास्ट में से एगो को काटना है, तो पहले इतना तो ध्यान रखो 9 पूरा हो जाने दो तब काटना। लेकिन उसको इतना ध्यान था कि आखिरी में से एगो को काट देना है। तो कल हम प्लूटो नहीं बताए थे, तो कल 8 को बताए थे, लेकिन बबनी को याद था कि एगो को लास्ट में काटना है, काट दी के करा। पता नहीं कौन पूछी थी, हम काट दी उसको, कही कि नहीं सर 7 को बच गया था। कल उसका काम नहीं था, नहीं होगा। अब हम आते हैं कहाँ पे? पृथ्वी पर। किस पे आते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी और इसके पास घूमता है चंद्रमा। तो हम पहले पढ़ेंगे पृथ्वी। पृथ्वी को सूर्य के तुलना में कितनी दूरी है, प्रकाश को आने में कितना टाइम लगेगा, हम सूर्य से पास कब जाते हैं, दूर कब जाते हैं। फिर हम देखेंगे चंद्रमा से हम चंद्रमा हमारे पास कब आता है, दूर कब आता है। उसके बाद देखेंगे चंद्रमा पे ग्रहण कैसे लगता है और सूर्य पे ग्रहण कैसे लगता है। फिर हम लोग ऐसे झुके क्यों हैं यहाँ पर, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी खत्म। नहीं है जी, 3 क्लास में इसको निपटा देना है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन छोड़ेंगे आप लोग? हाँ, कोई नहीं छोड़ना लोग। हाँ हाँ, टेस्ट में क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के एक उपग्रह है ना चंद्र, तो पहले हम पृथ्वी की तुलना सूर्य से कर लेते हैं, फिर पृथ्वी की तुलना चंद्रमा, फिर ये दोनों पे ग्रहण लगा देंगे और कब उतर जाएंगे कहाँ पर? पृथ्वी पर। और कब पृथ्वी पर रहेंगे लोग। देखिए सूर्य जो है वो हमारा तो एक मतलब गार्जियन के तौर पे है सौरमंडल का, तो सौरमंडल का पितामह के रूप में कौन काम करता है? सूर्य। पूरे पृथ्वी और ब्रह्मांड हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य है। और हम लोग सूर्य का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सूर्य का चक्कर हम वृत्तीय पथ पर नहीं लगाते हैं, बल्कि दीर्घ वृत्त पर। वृत्त माने गोला, उसको खींच देंगे तो क्या हो जाता है? दीर्घ वृत्त, इलिप्टिकल पाथ। सीबीएसई वाले उसे क्या कहते हैं? इलिप्टिकल। ऐसे कहिएगा दीर्घ वृत्त पे तो लगेगा कि आप पढ़ने वाले नहीं हैं, और ऐसे बोलेंगे इलिप्टिकल पाथ। वाह वाह, इतना अच्छा खानदान का नाम रोशन करेगा, बताइए। इसको देखो दीर्घ वृत्त पे घूम रहा है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग किस पे घूमते हैं? बृहस्पति पे। बृहस्पति नहीं जी, दीर्घ वृत्त पर। देखिए बृहस्पति बोल दिया। हम लोग किस पे घूमते हैं? दीर्घ वृत्त पर। किस पे घूमेंगे? दीर्घ वृत्त पर। अब दीर्घ वृत्त पर घूमेंगे तो हमेशा एक जगह थोड़ी रहेंगे, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आप लोग में किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहां हम पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर आ गए, यहां हम क्या आ गए, दूर आ गए, और वहां पे हम काफी करीब हैं, काफी करीब हैं, और यहाँ पे हम काफी करीब हैं और यहाँ पे दूर हैं। अमूमन ऐसे लोगों को लगेगा कि यहाँ पर ठंडी पड़ती होगी और यहाँ आने के बाद गर्मी पड़ती होगी, ऐसा लगता है, क्योंकि पास है तो लगेगा कि ना भैया गर्मी पड़ेगा, और दूर है तो लगेगा कि ठंडी पड़े, लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। कभी कभी जीवन में भी ऐसा होता है कि आप पास रह के भी दूर फील करते हैं। समझ आ गया कि ना गया? देखो ये खचरा सब एक के बीमारी से ग्रस्त है सब। और जीवन में कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है कि आप दूर रह के भी पास फील करते हैं, तो यहां भी वही वाला फील कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं है? टूटा खोपड़ी कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देते हैं यहां पर। अब आगे देखिए ध्यान, इधर समझिए ध्यान से सब लोग। पृथ्वी जो है ना वो 22.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सीधा नहीं है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी ऐसे क्या है, झुकी हुई, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। और यहाँ पे है ऐसे भारत, हम यहाँ आई लिख देते हैं तो आप समझिएगा इंडिया, ऐसे आई लिख देते हैं, आई फॉर इंडिया। अब देखिए जब पृथ्वी यहाँ होती है तो पृथ्वी के झुकाव के कारण हमारा देश उस साइड झुक जाता है जिस साइड सूरज है ये नहीं है। इस वजह से ये पास होने के वजह बाद भी यहाँ ठंडी पड़ता है, क्योंकि हम लोग उस डायरेक्शन में घूम गए हैं जिधर सूर्य नहीं है, और पृथ्वी तो ऐसे ऐसे घूर्णन कर रहा है। हमारा हम हैं उस पट्टी, हम क्या हैं, इधर हैं यहाँ पे। अब कितनों ऐसे ऐसे घुमाइएगा वो चीज़ इधर तो नहीं आएगी। जैसे हम, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे मान के जो ये इंडिया है, ये सूर्य, हम ऐसे झुक गए हैं, और ऐसे कितनों घूर्णन करेंगे तो ये वाला चीजवा तो इधर ही रहेगा ना, नहीं रहेगा। ग्लोब लाओ तो जी, ये सब पुलिस वाला है सब ना, ढेर बढ़िया से सबूत देना पड़ता है सब। नहीं समझा? आज सूर्य ग्रहण लगा, हाँ बाबू ऑस्ट्रेलिया से दिख रहा है, वो इंडिया में नहीं दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से दिख रहा है। हर इतना बड़ा पृथ्वी है, कहाँ से कौन सी दिखे? देखिए पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है, सर ये झुक गई है पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी तो घूर्णन भी करती है। अब यहाँ के टाइम पे अगर आप देखिएगा तो ऐसे हम पृथ्वी का घूर्णन करा रहे हैं, तो जो बिंदु इस साइड झुक चुका है उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत कम जाएगी। इधर गर्मी लगेगा तो सूरज तिरछा दिखेगा, सुबेरे सूरज 6 बजे निकलने वाला निकलेगा 10 बजे, तो हम लोग इस समय पे ठंडी का दिन फील करते हैं, जबकि हमारी दूरी, हम किसके पास रहते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग वो पट्टी झुक गए हैं इसलिए हम लोग को 10 बजे सूरज निकलता है, और कभी कभी दिन भर सूरज नहीं निकलता है। तो पूछते हैं लोग, सूरज निकला है आज? नहीं, तो लोग गूगल पे पूछते हैं घाम कहिया हुई, नहीं समझ? क्यों? क्योंकि हम लोग उस पट्टी झुक चुके हैं, पृथ्वी क्या हो चुकी है, झुक चुकी है। तो बताइए पास रहे कोई फायदा है? समझ आ गया? भले दूर रहिए लेकिन इधरे टुकुर टुकुर देखिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? भले दूर रहिए लेकिन देखिए टुकुर टुकुर देखिए। ये दूर है ना, लेकिन देख किधर रहा है, सूर्य की ओर देख रहा है टुकुर टुकुर। तो दूर रहने पर भी इसे प्रॉपर धूप मिलेगा और गर्मी का दिन रहेगा। ऐसे जो भूगोल नहीं पढ़ा रहेगा उसको कहेगा दूर है तो ठंडा और पास है तो गर्मी, ना गड़बड़ी तो हाँ गड़बड़ा जाएगा। बताइए अभी ठंडा, ठंडी का दिन है क्योंकि हम लोग इस पट्टी है, क्योंकि भारत ना, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का है, दक्षिणी गोलार्ध का नहीं है। तो हम लोग की ओर अभी क्या है, अभी ठंडी जस्ट खत्म हुई है। हम लोग यहाँ से मार्च में ठंडी खत्म हुई है, हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं, और हम लोग अभी यहाँ पे हैं। हम लोग कहाँ हैं, यहाँ पे खड़े दिख रहा है सूर्य यहाँ पे, और धीरे 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 जाएंगे यहाँ पर, 90 डिग्री पे आ जाएंगे जून में, एकदम सीधे खोपड़िए पे, एकदम चांदिए पे चमकेगा सूर्य। चांदी नहीं समझता है लोग, अरे लीलार नहीं, लीलार तो आई है, चांदी आई है यहाँ। हाँ हाँ, खोपड़ी तो पूरा हो गया। सेंटर पार्ट ऑफ खोपड़ी इन्होंने छानी। समझ गए कि नहीं? ये हम लोग का उत्तरी गोलार्ध है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो पास और दूर से मतलब नहीं है, मतलब है कि देख रहा है कि नहीं देख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब किससे है? देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो बताइए यहां पे कौन दिन? ठंडी। कौन दिन? और यहां पे कौन दिन? तो पृथ्वी पर ठंडी और गर्मी सूर्य के पास और दूरी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं या तिरछी। सीधी पड़ रही है या तिरछी? अगर सीधा पड़ेगा तो गर्मी, अगर तिरछा पड़ गया तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? बताइए। तो जब यहाँ पे आता है ये ठंडी के दिन में आता है, 4 जनवरी को, 3 जनवरी, 3 जनवरी को होता है, और ये 4 जुलाई को होता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये सूर्य से दूरी घट गई। देखिए सूर्य से दूरी घट गई, उप सौर, सौर मतलब सूर्य, घट गया तो उप, उप सौर, अब बढ़ गया तो अप सौर, बढ़ गया तो अप सौर, घट गया तो बढ़ गया तो। कोई दिक्कत है किसी को? चल जाओगी बबनी? देखो देखो ना चल जाएगी कि नहीं है, देख लेना जी, उसको रास्ते में मत बेहोश हो जाए। इतना काहे बेहोश होते रहती है जी? बंद कर दो, गेट सटा दबाओ। आगे बढ़े, दूरी घट गई तो उप सौर, कोई चीज को घटा देंगे तो उप हो जाता है। राष्ट्रपति का पावर घटाएंगे उप राष्ट्रपति। तो सूर्य से दूरी घटाएंगे उप सौर, बढ़ाएंगे तो अप सौर, उप सौर अप सौर, उप सौर अप, याद रहेगा। दूरी बढ़ेगा तो अब एपी हेलियन, पेरी हेलियन, एपी हेलियन और पेरी, एपी हेलियन पेरी, याद रहेगा, एपी हेलियन पेरी हेलियन। कोई टेंशन ही नहीं है। अब दिक्कत होगा जनवरी या जुलाई, जनवरी या जुलाई। तो देखिए जनवरी पहला महीना होता है, जुलाई 7वां महीना होता है। तो 1 बड़ा कि 7, 7, तो दूरी बढ़ गया मतलब 7वां महीना, और घट गया मतलब पहला महीना, मतलब 7 और 1 में तो 7 है ना, बढ़ है। याद रखने का तरीका यही हो जाएगा। तो अब सौर जून, जुलाई या जनवरी? अब सौर जुलाई। 3 तारीख या 4 तारीख? 4, क्योंकि 3 और 4 में 4 बड़ा। तो 3 जनवरी नहीं, 4 जुलाई। अब सौर बोलिए, 4 जुलाई, उप सौर, अब सौर, उप सौर। इसे एपी हेलियन, इसे पेरी हेलियन, एपी हेलियन पेरी हेलियन, एपी हेलियन पेरी। किसी को दिक्कत? एलियन नहीं, एपी हेलियन और पेरी हेलियन, एपी हेलियन और पेरी हेलियन, याद रहेगा। हम लोग 4 जुलाई आने वाला है हम लोग के पास। देखिए अप्रैल खत्म हो रहा है, मई जून, जून खत्म होते हैं 4 जुलाई। 4 जुलाई को हम लोग यहाँ होंगे। लोग एकदम एकदम चांदी पे चमकेगा कौन? सूर्य। करकरा के धूप पड़ेगा, लगेगा कि चमड़वा में छेद के कुछ चुभ रहा है। जुलाई का गर्मी देखिएगा, लगेगा चुभ रहा है कुछ कुछ, एकदम चनचनाने लगेगा, एकदम लंबा लंबा खजुआएगा सब, ऐसे देखिएगा नहीं तो हाँ। पाउडर ओडर का खूब प्रचार आएगा, गर्मी कूल। अच्छा एक को लड़का ऐसा गमकेगा सब ना, लगेगा सब फर्मेंटेशन हो गया है किड़वन उनसौ का, हाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड का, एक से एक गमकेगा सब वहां पे। इसलिए नहा धोवा के प्रॉपर रहिएगा लोग, ठीक है। तो अप सौर कितने तारीख को? 4 जुलाई। उप सौर 3। उप सौर में सूर्य पास आ जाता और अप सौर में दूरी बढ़ जाती। समझ में आ गया? सूर्य की औसतन दूरी जो होती है सूर्य और पृथ्वी के, वह 14.9 किलोमीटर, यानी 14 करोड़ 90 लाख, 14 करोड़ 90, यानी 14.9 करोड़ किलोमीटर। तो हम औसतन कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना किलोमीटर? लेकिन ये वृत्तीय पथ थोड़ी है कि हमेशा दूरी सेंटर से बराबर रहेगा, ये तो दीर्घवृत्त है। तो कभी दूरी बढ़ेगी कभी दूरी घटेगी। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, जिसे हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। तो खगोलीय इकाई जो है वह किसका मात्रक है? दूरी का। कितने किलोमीटर का? तो प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और खगोलीय किसका मात्रक है? दूरी। किसका मात्रक है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? आपको कोई दिक्कत? औसतन दूरी कितनी होती है? 15। हालांकि 14.9 करोड़ 14.9 करोड़, लेकिन उसका बढ़ता घटता है। यहाँ आ जाएगा तो दूरी घट जाएगी और यहाँ आ जाएगा तो दूरी बढ़े। औसतन दूरी 15 करोड़ किलो। इस 15 करोड़ किलोमीटर को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई कितने किलोमीटर का? 15 करोड़। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता, बढ़ भी सकता है, घट भी। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाएं। इन दोनों को, ये कौन सा है? उपसौर, और ये कौन सा है? इसको मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड लाइन, एपिसाइड लाइन, एपिसाइड लाइन। इसके बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। और इसी दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। किसी को दिक्कत? इस 15 करोड़ किलोमीटर दूरी को तय करने में सूरज को 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं कहीं ये 8 मिनट 12 सेकेंड भी देता है, 8 मिनट 16 सेकेंड भी देता है, 8 मिनट 10 सेकेंड भी देता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दूरी भी तो बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। औसतन याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20। कितनी दूरी? 15 करोड़। इस दूरी को क्या कहेंगे? सूर्य के अधिकतम दूरी को अपसौर, न्यूनतम दूरी को उपसौर। इन्हें मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड लाइन, मिलाने वाली रेखा एपिसाइड लाइन। कोई दिक्कत? सिंपल है कि नहीं है? तो हमारा सूर्य से जो जो रिलेशन बनता था निपटा दिए, केवल सूर्य ग्रहण को छोड़ के, क्योंकि ग्रहणवा दोनों एक के साथ पढ़ेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। निपट गया कि नहीं निपट गया? हिंदी पेपर की तैयारी कैसे करें? हिंदी मेंस में आता है, दरोगा मेंस में हिंदी नहीं आता है, पहले पीटी होता है। मेंस में, मेंस में, पीटी में नहीं, मेंस में। हम मेंस बोल दिए क्या? ओ माई गॉड। पीटी में, पीटी में हिंदी नहीं आता, मेंस में हिंदी आता है। पहले आपको पास करना पड़ेगा पीटी, उसके बाद मेंस। इसमें पीटी मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, पूछ देता है। जैसे बीपीएससी में पीटी का सिलेबस अलग, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग, अब मेंस का क्वेश्चन सिलेबस सब अलग। इसमें कुछ नहीं, फिर यही पूछेगा। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे रीअरेंज कर देता है उसको, और कुछ नहीं, बहुत चेंज नहीं होता है, रीअरेंज कर। कुछ मैथ हो तो बढ़ा देता है, इसमें तीन को मैथ, 3 को रीजनिंग डालेगा तो उसमें 10 को पूछ देगा मैथ रीजनिंग मिला के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है, बट सिलेबस का चेंजिंग नहीं होता है, अरेंजमेंट का चेंजिंग होता है। जैसे इसमें रीजनिंग ना बराबर पूछेगा, उसमें 5 को पूछ देगा। वो कभी कभी पगला जाता है, तब किसी एक शिफ्ट में पगला गया तो 15 को मैथ रीजनिंग पूछ देगा, किसी में पगला गया तब। अरे 25 के कहाँ पूछ दिया जी? किसी एक शिफ्ट में पगलाया, वो हम बता रहे ना, किसी एक शिफ्ट में पगलाएगा तो पूछ देगा। ऐसे औसतन वो ऐसा नहीं पूछता, 25-25 नहीं पूछता। आगे बढ़े, ये तो हो गया। अब चंद्रमा पे चलते। किसमें? चंद्रमा पर। किसमें? चंद्र। पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा को कहते हैं, रात की रानी चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। इससे सबसे बड़ा खतरा कि दूसरे ग्रह से आने वाले उल्का पिंड धम धम गिरेगा। किस पे? चंद्रमा पर। बेचारा पे कितना चोट लगता होगा चंद्रमा पे, सोचिए। हाँ, बहुत दिक्कत है चंद्रमा पे रहने का। चंद्रमा पे रहना ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के बाहर वायुमंडल नहीं है, और यह वायुमंडल न होने के कारण क्या हमारी रक्षा इस उल्का पिंड से हो पाएगी? तो चंद्रमा पर उल्का पिंड से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यानी आप वहाँ चलते फिरते रहिएगा, धड़ाम से गिरेगा उल्का पिंड, धंस जाइएगा, खोजेगा कोई बाहर, कहाँ गया सुरेंद्र, सुरेंद्र दास गया समझ में आ गया। तो चंद्रमा पे बहुते गढ़ा गढ़ी है और इतना बड़का बड़का उल्का पिंड गिरा है चंद्रमा पर, इतना बड़ा बड़ा उल्का पिंड गिरा है कि उसमें बड़का बड़का गढ़ा हो गया है। अब आप बताइए अगर गढ़ा है कहीं तो उसमें सूर्य का रोशनी तो प्रॉपर नहीं पहुंचेगा। बड़का कुआं में, कुआं के अंदर सूर्य का रोशनी जाता है, अब बड़का बड़का गढ़ा में सूर्य का रोशनी जाएगा। तो वही हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो जहाँ गढ़वा है रोशनी नहीं गया उसको दाग दिखता है, धब्बा दिखता है। तो लोग कहते हैं चंद्रमा में दाग है, चांद में दाग है। कोई खलिया आदमी रहेगा ना तो चांद को देखेगा कितना सुंदर है, अरे यार उसमें सुंदर कौन चीज लगता है, हमारा ना बुझाता है नहीं जा बाका गोल थरिया ऐसा तो दिख रहा है। लेकिन जब लड़का सबको लाल पीला हरा की दुनिया में जाता है सुनने तो कल्पनाशील हो जाता है, वाह चांद सुंदर, उससे पहले उसको पते नहीं है, नहीं समझा चांद सुंदर है आप हाँ चांद के पार चलो ऑक्सीजन नहीं है उधर। आगे बढ़े हाँ ले जाके मारेंगे फेरा में, सही कह रहा है। लड़की लोग को अगर कोई कहे कि चांद के पार चलो तो कहे हमरा ना मरना है, मारो और देगा ले हो जाके उन्हें कहीं चांद के पार चलो। गढ़ा है उधर खाली, कोनो गढ़ा में फेंक के चला आएगा। चांद पे पाए जाने वाले ग्रहों को क्रेटर कहते हैं। चंद्रमा पे जीवन संभव नहीं है क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण कब उल्का पिंड गिर जाएगा और कब कहीं धधकता हुआ सौर ज्वाला चलाएगा। अरे वायुमंडल रहेगा तब ना उसको बाहर कर देगा, औरोरा ओरियोलिस औरोरा बोरियोलिस। कहीं झुलस के मरेगा कभी आदमी और कहीं दबा के मरेगा। अच्छा वायुमंडल ना होने के कारण ध्वनि उत्पन्न तो हो सकती है, सुनाई नहीं देगी क्योंकि ध्वनि वायु के रास्ते या जल के रास्ते या ठोस के रास्ते ही जा सकती है। वहाँ वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, सुनाई नहीं, चिल्लाते रहिए। वहीं से एक आदमी दूसरे आदमी से बतियाने के लिए फ़ोन का यूज करता है, माइक्रोफोन का यूज करता है, समझा। देखते हैं रजाई ओढ़ के गया रहता है, सब रजाई नहीं रहता है, स्पेस सूट होता है, वो स्पेस सूट होता है, वहाँ पर स्पेस सूट पहन के जाया जाता है, रजाई नहीं रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत? तो बताइए चंद्रमा पे जीवन संभव है? वायुमंडल ना होने के कारण धूल कण भी नहीं पाए जाएंगे क्योंकि धूल कण तो हवा में ही तैरेंगे। और यही धूल कण पे जब सूर्य का रोशनी पड़ता है तो सूर्य की रोशनी बिखर जाती है। क्या होती है? बिखर जाती है। सबसे ज़्यादा बैगनी और नीला रंग बिखरता है, लाल रंग बिखरता ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा बैगनी और नीला बिखरता है, इसलिए सूर्य बैगनी और नीला का मिक्स दिखता है। आसमान, आसमान क्या होता है? रंगीन दिखता है, यहाँ पे नीला दिखता है। समझ आ गया क्या दिखता है? नीला। लेकिन चंद्रमा पे तो वायुमंडल ही नहीं है तो वहाँ सूर्य आसमान दिखिएगा तो काला दिखेगा। चंद्रमा पे से आसमान कैसा दिखेगा? काला। और कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगा, सन्नाटा एकदम रहेगा। चिल्लाते रहिएगा ए चचा, कुछ नहीं सुना, चाचा हो डर लगतो, सुनाई नहीं करेगा। ओके पूरा बहुत डर लगेगा चंद्रमा पे, सोचिए बहुत दिक्कत है। अब पूरा आकाश कैसा दिखेगा? काला। कभियो कोनो उल्का पिंडा के गिर जाएगा धबाक से, यहाँ कबो कोनो सौर ज्वाला के झुलसा के चल जाएगा एक ओर से, बहुत दिक्कत है। इसे जीवाश्म कहते हैं, पृथ्वी का जीवाश्म। इस पे जो गड्ढे पाए जाते हैं उसी कारण इसका रंग कैसा है? काला है। और जो धब्बा धब्बा दिखता है वो क्या है? काला है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चंद्रमा का अध्ययन सेरोनोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेरोन। याद करते चलो एक ही बार, पीडीएफ में मत झांको लोग, नहीं याद हो पाएगा। हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे देखो, सब पीडीएफ में लिखल है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हमें पीडीएफ में झांकते रहता है सर, लड़का सब पीडीएफ नहीं देखता है, सो कहता है पढ़ ले कौन फायदा हो लो, वो हमरे भरोसे आया है। और लड़की सबको भरोसे नहीं होता है, कहीं छूटल हो तो तब हाँ ये मास्टर का कोनो ठीक है आगे बढ़ जाए नहीं, कुछ कुछ लड़की सबको भरोसा रहता है। आगे हाँ रहता है। अब बोल देंगे अभी की ज्योग्राफी खत्म, इतना सीधा होती है मान लेगी सब, ज्योग्राफी खत्म, इतना सीधा होती है। चलिए आगे बढ़े। ग्लोब हम खरीद ले, क्या क्या करेगा वो खरीद के? चंद्रमा का अध्ययन सेरोनोलॉजी, रात की रानी, पृथ्वी का जीवाश्म, वायुमंडल है, आवाज उत्पन्न होगी होगी, सुनाई देगी। अच्छा, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा एक ग्राहम बेल को, मतलब ग्राहम की घंटी को चंद्रमा पर एक मृतबान में बंद करके 3 बार बजाया जाता है, तो घंटी की आवाज कितनी बार सुनाई देगी? सुनाईवे नहीं करे, वो केवल आपको फुसला रहा था। नहीं, छोट लड़का घुसिया जाता है ऐसे कि हमको खिलौना चाहिए, तो लोग घुसिया जाता है, अरे देखो ना उधर भूत आ जाएगा, यहाँ पर खाना नहीं खाया, या कन्फ्यूज हो रहा है, भूत आने वाला, खिलौना भुला जाता। वैसे एग्जाम में आप लोग को क्या कर देता? भुलवा देता। ये सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। चंद्रमा का अध्ययन सेरोनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा हमारा चक्कर, पृथ्वी का क्या करती है? चक्कर लग। दिक्कत ये है कि पृथ्वी का चक्कर लगभग ये 27 दिन में पूरा करती है। कितने दिन में? और 27 दिन में अपना भी चक्कर पूरा कर लेती है। कितना पूरा? 27 दिन। समझ में आ गया कि नहीं? तो चंद्रमा का जितना समय में परिक्रमण होता है उतने समय में घूर्णन होता है। यही लक्षण किस ग्रह में था? शुक्र में। शुक्र भी लगभग 243 दिन में एक बार घूमता है और उतने दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा। सेम हाल किसका है? चंद्रमा। लगभग 27 दिन में घूर्णन और उसी 27 दिन में सूर्य का, पृथ्वी का एक चक्कर। तो हम पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा के आएगा, इसे पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा के आएगा। जैसे देखिए हम आपको समझाते हैं, ये पृथ्वी है, ये खुलता नहीं है जी, इसका पीठिया टेक लेने वाला। चलिए, यह पृथ्वी है। कैमरा जूम आउट करो, लाइव वालों को भी समझ में आए। इधर, अरे उधर से हमको चक्कर, इधर चक्कर भी लगाना है, घूमना है, जगह बनाना है। यहाँ बकलोलवासा में दिमाग लगा रही। सर इधर कर लीजिए ना इसे आप, अरे हमको इधर से अभी चक्कर लगाना है, इसे ऐसे करके। चलिए ठीक है, हो गया आप। चलिए समझिए ध्यान से। अब कोई व्यक्ति, हमको समझिए, हम सफेद कपड़ा भी पहने हैं, चंद्रमा। ग्रहण लगा चंद्रमा। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए यहां से कोई व्यक्ति हमको देख रहा है, ठीक है। हम कितने दिन में घूम के आएंगे? 27। हम 27 दिन में घूम के आएंगे। देखिए ध्यान से समझो, अभी हमारा वो पीठ देख रहा है। क्या देख रहा है? पीठ। लेकिन पहले क्या देखा था? फ्रंट से, फ्रंट देखा था। लेकिन चंद्रमा क्या करता है ना, 27 दिन में जब चक्कर लगाता है ना, तो इसी दौरान वो अपना भी एक चक्कर लगाता है। 27 दिन में धीरे धीरे अपना अपना भी चक्कर क्या करता है? लगाते रहता है। और ये पूरा 27 दिन जब कंप्लीट करके यहाँ पहुँचता है तो फिर थुथुरे लेके चलाता है, वह थुथुरा लेके चलाता है। इसलिए हमें चंद्रमा का हमेशा एक गो थुथुर दिखता है, करियाई से, झोंझे से। कोई कहता है कि कोनो दुकान पे कुछ हो रहा है, कोई कुछ रहा है, चांद पे दाग है, तो ये है, तो वो है, दुनिया भर का। समझ आया? तो हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है। क्यों? क्योंकि 27 दिन में वो ससुरा अपना एक चक्कर पूरा करता है और 27 दिन में वो पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा। अगर ये 10 दिन का फासला रहता है तो हमको चांद का पिछला साइड भी दिखता है, जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या कहते हैं? सी ऑफ। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एंडरलिन, ये दोनों कहाँ उतरे थे? चंद्रमा के सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर, शांति का सागर। आगे बढ़े, बताइए हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वह 27 दिन में अपना घूर्णन और 27 दिन में सूर्य का परिक्रम, उसका यह लक्षण शुक्र ग्रह से मैच करता है। उसका यह लक्षण शुक्र ग्रह से मैच करता। समझ में गया? तो हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है और जो पीछे वाला भाग है उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? हाँ हाँ, जगहिया का नाम है उसका, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। साइनोनिम इंटोनिम नहीं पढ़े हो। ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांत, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर। अच्छा, चंद्रमा तो पूरा शांति, आवाजें नहीं होगा तो शांति नहीं रहेगी जी, एकदम सुन सन्नाटा, एकदम चुपचाप। पृथ्वी को देखिएगा, अरे बाप रे बाप, ओजा से अलो हिजा, ऐसा ना गड़िया खराब हो जाए, ईजा रह जी तो हम बड़ी दिक्कत हो जाएगा, उधरे छूट जाएगा आदमी। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चंद्रमा समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये बताइए, चंद्रमा भी किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का। चंद्रमा भी किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी का चक्कर लगाने के दौरान चंद्रमा भी हमसे कभी कभी करीब आ जाता होगा, और कभी कभी इस चक्कर लगाने के दौरान चंद्रमा भी हमसे दूर चला जाता होगा। जैसे सूर्य गया हुआ था, जैसे अपसौर उपसौर हुआ था ना, अपसौर उपसौर हुआ था कि नहीं हुआ था? तो सूर्य से तुलना किए थे, अभी तुलना किससे करेंगे? पृथ्वी से। जो घूम रहा है वो तुलना करेगा उसके जिसके चारों ओर घूम रहा है। जैसे हम लोग घूम रहे थे सूर्य के चारों ओर, इसलिए हम अपनी तुलना सूर्य से कर रहे थे और पास आ रहे थे, तो उप सौर। उसी तरह से इस बार चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के, पास आएगा तो उप भू, भू भू माने भूमि, उप भू अप भू, उप भू अप भू, भूमि बोल देता, भू भू बोलता है, नहीं समझ आएगा, अप भूमि उप भूमि बोलता भू। सीबीएसई वाला ये करो, बढ़िया नाम रखा है सर, पेरिगी आपिगी, पेरिगी और एपिगी, पेरिगी और एपी, कितना अच्छा लग रहा है, पढ़ने वाला लड़का है यहाँ पे। तो बताइए, पास आ गया तो उपभू और दूर गया तो अपभू, पेरिगी और एपिगी, दूर गया तो एपिगी, और पास आ गया तो पेरिगी पेरिगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन यहाँ दिक्कत ये है बबुआ, इसका दिन फिक्स नहीं होता है। काहे? क्योंकि ससुरा 27 दिन में चक्कर मार देता है। अगर आज एक चक्कर मारा तो इसका महीना 27 दिन में पूरा हो जाता है। दिन आगे पीछे हो जाएगा, दिन आगे पीछे नहीं हो जाएगा। जैसे अगर हम कह दें कि 1 अप्रैल को ये पास आया था, तो 1 मई को पास नहीं आएगा, 27 अप्रैल को चला आएगा। कुल हिसाब किताब गड़बड़ करके रख देगा। इसीलिए जो जो कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है, जैसे मुस्लिम लोगों का हिजरी कैलेंडर, हिंदू धर्म के त्यौहार शक संवत, ये सब चंद्रमा पर आधारित है। इसलिए इसका कोई त्यौहार फिक्स डेट को नहीं होता है। समझा गया? एगो मकर संक्रांति हो जाता है, सतुआन हो जाता है, 100 साल में एक बार बदलता है। समझा गया कि नहीं? आगे बढ़े। लेकिन ईसाई लोगों का कैलेंडर सूर्य पर है, उनका कभी भी गुड फ्राइडे देखिएगा, गुड ये क्रिसमस फिक्स 25 दिसंबर। समझा गया? सेंटा क्लॉज आते हैं, टॉफी बांट के जाते हैं। समझा गया कि नहीं गया? ईसाई स्कूल में सेंटा क्लॉज बनते हैं लोग। आगे बढ़े। तो बताइए, जब चंद्रमा पास आ जाएगा तो उप भू, सूर्य कौन बोलता है? यहाँ सूर्य दिख रहा है, उप भू, दूर चला जाएगा तो अप भू, पास आया तो दूर गया तो पास आया तो दूर गया तो। याद रहेगा? क्या इसका डेट आप फिक्स रख सकते हैं? लेकिन उसमें तो फिक्स रख सकते हैं, क्योंकि 4 जुलाई तो फिर एक साल बाद 4 जुलाई होगा। समझा? लेकिन एक 27 दिन का ना महीना हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। यहाँ पे देखिए, जब पास आ जाता है ना सूर्य, कौन सूर्य कर रहे हैं? चंद्रमा, तो बहुत बड़ा दिखता है, इतना बड़का दिखता है। क्या होता है? बड़का दिखता है। तो हम लोग चंद्रमा का जो मैक्सिमम भाग देख पाते हैं वो 59%। किसी का आप 100% भाग नहीं देख सकते। हमारा का पीठ दिख रहा है तो 100% कोनो 3D चीज का तो देखिए नहीं सकते हैं आप। भाई कुर्सिया का आपको 100% दिख रहा है, पिछवा का कोई चीज बटन वटन जो होगा पीछे का नहीं दिख सकता है यहाँ पे। उसी तरह चंद्रमा का भी हमें 100% नहीं दिख सकता। कितना दिखेगा? इसे सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर मून। क्या कहेंगे? सुपर मून। क्या कहेंगे? सुपर मून। याद रहेगा? कौन सा मून? सुपर मून। जब चंद्रमा बहुत बड़े साइज का दिखता है, 59% अपने मैक्सिमम मान पर दिखता है, तो ऐसे चंद्रमा को सुपर मून कहते हैं। जैसे सुपरमैन था, वैसे सुपर मून है। जिस दिन अमावस रहता है, अनहरिया अमावस, इसे कहते हैं न्यू मून। क्या कहेंगे? न्यू मून। आज जिस दिन पूर्णिमा रहता है उस दिन फुल मून। कौन सा मून? फुल मून। समझ में गया? आज जिस दिन बड़का दिखेगा, पास आ गया तो सुपर मून, पास आया तो गायब हो गया, न्यू मून। न्यू मून, बड़का, पूर्णिमा, फुल। पूर्णिमा पूर्णिमा भूत चुरैन ये सब निकलती है अमावस। हाँ अमावस के दिन देखिएगा ना, चुरैल उरैल रहेगी पिछले जन्म का बदला लेगी। यहाँ पे तुम पिछले जन्म में पति को मारा था, मैं इस जन्म में लेके जाऊंगी। ऐसा फिल्म देखेंगे ना, उसमें ऐसे को एगो मिथुन का फिल्म है, मैं कीला गाड़ती हूँ के पैरवे में 20 साल बाद। 20 साल लोग का इंतजार करती है, लड़का इंतजार करेगा 20 साल? बदल दूसरा देख लेता है, चल गए दूसरा देख रहे। लड़का कचरा होता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? पूरी चंद्रमा दिखेगी तो, फुल मून नहीं दिखेगी तो, पास आ गया तो। हाँ चंद्रमा का महीना कितने दिन का? इसका मतलब अगर किसी महीने में पहली या दूसरी तारीख को ही पूर्णिमा पड़ गया तो उसी महीने में लास्ट में 28 और 29 तक में फिर दूसरा का पूर्णिमा पड़ेगा। तो एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ सकते हैं। शर्त यह है कि शुरुआती तारीख को होनी चाहिए 1, 2 या 3 तारीख। समझा गया कि नहीं? 1, 2 या 3 तारीख। तो जब कभी भी एक ही महीना में 2-2 को पूर्णिमा पड़ जाएगा तो पहला पूर्णिमा को पूर्णिमा और दूसरा पूर्णिमा को ब्लू मून। क्या कहेंगे? ब्लू मून। तो सेकंड पूर्णिमा को क्या कहते हैं? एक ही महीना के सेकंड पूर्णिमा को ब्लू मून। क्या कहेंगे? ब्लू मून। एक के महीना में अगर सेकंड पूर्णिमा पड़ा तो पहला पूर्णिमा को पूर्णिमा और दूसरा पूर्णिमा को हाँ ब्लू। कभी कभी ग्रहण लग जाता है। क्या होता है? ग्रहण लग और कंप्लीट चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन सबसे दूरी तक कौन सा रंग पहुंच जाता है? लाल। तो सूर्य के रंगों में 7 रंग छुपा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय 7 में से 6 रंग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन लाल रंग खतरे का सूचक बहुत दूर तक चला जाता है और वो लाल रंग पहुंच जाता है और उस दिन चंद्रमा लाल दिखता है, जिसे हम रेड मून कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड। तो बताइए ग्रहण के समय, हाँ ग्रहण के समय रेड मून क्या हो गया? रेड मून हो गया। रेड 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। समझ आ गया कि नहीं? चंद्रमा पढ़ लिए? नहीं ना छूटेगा चंद्रमा से क्वेश्चन। आगे बढ़े, बताइए ये चंद्रमा का महीना कितने दिन का? एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण के समय रेड मून, अमावस के समय न्यू मून, पूर्णिमा के दिन पास आ गया तो सुपर मून। अधिकतम कितना भाग? अधिकतम 59%। अधिकतम। किसी को चंद्रमा में दिक्कत है? पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा हमसे काफी पास है। चंद्रमा हमसे काफी पास। सूर्य तो ससुरा 15 करोड़ किलोमीटर है। ये 3,80,000 3,80,000। तो हमसे चंद्रमा की दूरी 3,80,000 है। हमसे चंद्रमा की दूरी 3,80,000 किलोमीटर। 3,80,000 किलोमीटर ये पास में है। तो यहाँ से सूर्य के प्रकाश को आने में महज 1.3 सेकेंड लगता है। 1 मिनट 30 सेकेंड नहीं, लगभग 1.5 सेकेंड। लगभग 1.5 सेकेंड। ऐसे ही जोड़िए ना, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख जाता है। 1 सेकंड में 3 लाख। आई ससुरा 3,80,000 है। ये 3,84,000 है। 3,84,000। तो यहाँ जाने में कितना? 1 सेकंड से तनी और बढ़ा लीजिए तो लगभग 1.5 सेकंड। तो बत हाँ 1.3 सेकंड। लगभग 1.5 सेकंड। 1.3 बोलिएगा ना तो ऐसा लगता है 1 मिनट 3 सेकंड। और हो जाता है बहुत दूर। फिर दूसरा चंद्रमा को देख रहे हैं आप, फोबोस डिमोस को। हाँ हाँ दिमाग से, इसलिए 1.5 बोल दीजिएगा। कितना सेकंड? 1.5 सेकंड। याद रहेगा। चंद्रमा से क्वेश्चन नहीं ना छूटना चाहिए। पृथ्वी का जीवाश्म अब हम लोग पृथ्वी पे उतरे, पहले ग्रहण लगा लेते हैं फिर उतरते हैं। पहले ग्रहण लगाते हैं, ग्रहण लगी लगे बाद उतरते हैं। कोई दिक्कत है? ये किसका फोन आ रहा है? तुमरो कोई फोन करता है क्या? वही तो, तुम बुध की श्रेणी में, तुम्हारा कोई उपग्रह नहीं है। चलिए ध्यान से, प्लूटो नहीं, आगे समझते। नौकरी हो जाएगा तो बृहस्पति बन जाएगा, बहुते उपग्रह घूमने लगेगा सब। आगे बढ़ते हैं। 3,80,000 किलोमीटर है, ग्रहण लगाते 3,84,000 है जी, 80 नहीं, 3,84,000 है। ग्रहण वगैरह लगा देते हैं लोग। ये तो पानी एकदम खौल जाता है जी गर्मी के दिन में। इस समय पानी पीने में उटपटांग लगता है, खौला रहता है एकदम। और ठंडा पानी पिए, हमको जमाना हो गया। ठंडा पानी पीते ना गले बच जाएगा, इतना ज़्यादा। प्रकृति ने किसी भी चीज़ को बनाया है ना तो पर्सनल यूज के लिए बनाया है। हम अपने गर्दन का कॉमर्शियल यूज करते हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो पर्सनल यूज के लिए बना वाला चीज़ का अगर आप कमर्शियल यूज कीजिएगा तो गड़बड़ाइए जाएगा। तो ठंडा पानी पीने का मन करता है गर्मी के दिन में, तो गर्म पानी से प्यासे नहीं बुझता। आगे बढ़े, बोलिए, बोलो बाबू। हाँ हाँ हाँ, हम इंडिया को, इंडिया में हमें जो जैसा चंद्रमा दिख रहा है ना वैसा ही चंद्रमा अमेरिका से नहीं दिखेगा। उसको एक अलग डिजाइन का थोड़ा थोड़ा उसका चेंज दिखता होगा, शेप एंड साइज। मतलब उस पर जो बनावट है अमेरिका साइड से अलग दिखता होगा, क्योंकि हमारे साइड से अलग, यूरोप में अलग। क्योंकि चंद्रमा जो है ना, हम उसका हर एक हिस्सा देखे ही नहीं है। हम लोग जो देखते आए हैं वही देख रहे हैं। हमारे पास पहुँचा 27 दिन में। हाँ, दूसरा भाग जरूर दिखेगा उसको। हम लोग को दिखता है जो भाग, वो दूसरे जगह से दूसरा भाग दिखेगा। ग्रहण वगैरह आप हम लोग समझते हैं। ग्रहण किसे कहते हैं? जब हम किसी को देख रहे होते हैं और बीच में कोई बाधा आ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रहण। समझ आ गया कि नहीं? किसी को देखिए, बिचवा में कोई चल आता है तो नहीं कहते रे चोटा हट ना तो बिचवा में से, हाँ, उसी को क्या कहते हैं? ग्रहण। बिचवा में आ जाता है, जो बीचवा में आके आप जिसको देख रहे हो तो ओकरा ऊपर ग्रहण लगा देता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जब दो आकाशीय पिंडों के बीच में कोई दूसरी चीज आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रहण। यहाँ है सूर्य, यहाँ क्या है? सूर्य। देखिए, सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है, उष्मा यही दे रहा है, प्रकाश यही दे रहा है, दोनों यही दे रहा है। और हम लोगों को मिल कौन सा रहा है? पृथ्वी को मिल रहा है यहाँ से प्रकाश, पृथ्वी को मिल रहा है प्रकाश। पृथ्वी के साथ साथ यह प्रकाश चंद्रमा को भी मिल रहा है। पृथ्वी के साथ साथ यह प्रकाश किसको मिल रहा है? किसे मिल रहा है? चंद्रमा को भी मिल रहा है। दिख रहा है ना चंद्रमा? नहीं दिख रहा है चंद्रमा? बॉर्डरवा बनाना पड़ेगा ना उसका, दूसरे रंग से बना देते हैं चंद्रमा। अब दिख रहा है? हाँ, ये चंद्रमा बना दिए हैं इसको। उसको घुमाना है ना, बॉर्डरवा बना, घुमाएंगे बॉर्डरवा भाग जाएगा बाहर। देखिए ध्यान से, चंद्रमा, यह चंद्रमा इस असुरा चक्कर लगाएगा किसका? और जब ये चक्करवा लगा के यहाँ पहुँचेगा ना तो देखिए तन ध्यान से अब क्या होने वाला है। इससे आने वाला प्रकाश पृथ्वी पे तो पड़ जाएगा, लेकिन इसके हिस्से का प्रकाश रुक गया। क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। सूर्य तो दिखेगा, ए पटी अरे किधर गया चंद्रमा? तो हम लोग की परछाई उसको ढाप दिया है। तो कौन सा ग्रहण है? कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण के समय बीच में कौन आ जाता है? हाँ, आप बताइए जरा ध्यान से। ये घूमते घूमते गया, यहां आ गया। हमको तो चंद्रमा टनाटन दिखेगा, लेकिन सूर्य नहीं दिखेगा। तो ये क्या हो गया? सूर्य ग्रहण। हाँ, ये कुछ जाइए नहीं करेगा उधर, इसका चक्कर इससे चल रहा है। तो सब अपने अपने वाला के ना पीछे घूमता है जी। हाँ आगे बढ़े, उधर कैसे जा सकता है? लड़की लोग बता जाएगा उधर नहीं जाएगा, उधर एक अरे इधर ही घूमेगा ही। यहाँ पे बोलिए चंद्र ग्रहण सूर्य समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ये कौन सा ग्रहण है? हाँ चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के समय बीच में कौन आता है? कौन आ गया? पृथ्वी। और सूर्य ग्रहण के समय बीच में चंद्रमा चलाता, बीचों में चंद्रमा चलाता। आगे बढ़े, तो ये तो आप बता ही सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? ये कौन सा ग्रहण लगा? चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। और ये क्या लगा? सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। यहाँ दो ये क्वेश्चन पूछता है, एक तीन, या तो सीजीवी से पूछेगा, नहीं तो चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण में पूछेगा, या तो पूछेगा बीच में कौन आ जाता है, नहीं तो पूछेगा अमावस को लगता है कि पूर्णिमा को दिन। इसको समझिए ध्यान से। ये तो आप समझ गए कि बीच में कौन आने वाला है। कभी भी पृथ्वी ग्रहण नहीं लगेगा कि हमको कोई देखिए नहीं रहा है। एलियनवा झाँक रहा होगा, सब तो देखता होगा, केकर बैच है भाई खान सर का। हाँ समझ में आ गया कि नहीं? एलियन उलियन आ जाएगा सो सुनते हैं, बड़ी होशियार होता है सब। अमेरिका अमेरिका के फिल्म में ना यही सब दिखाता है, हल्क बनेगा कोनो, स्पाइडरमैन, बैटमैन, भाइसमैन, ये सब टाइप, आयरन मैन। हाँ चलिए आगे समझते हैं। बताइए चंद्र ग्रहण के समय बीच में कौन आता है? पृथ्वी। सूर्य ग्रहण के समय? पृथ्वी ग्रहण कभी सुने हैं? तो बीच में तब ये नहीं आएगा। सूर्य कभी बीच में नहीं आता है, सूर्य बीच में नहीं ला सकते, सूर्य हमेशा उधर ही रहेगा। यहाँ पे चंद्र ग्रहण के समय बीच में पृथ्वी, और सूर्य ग्रहण के समय बीच में। हाँ अभी बताइए, अमावस के दिन चंद्रमा दिखता है तो पे ग्रहण लगे चाहे सचुरा कुछ हो, हमरा पता चलेगा? इसका मतलब चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगेगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा क्योंकि दिन अमावस के दिन ग्रहण लगल कि का लगल हमरा पता कौन चीज है ससुरा, कुछ हो जाए तो दिखबे नहीं करता है। तो बताइए चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अमावस, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। याद रहेगा, तरीका याद रखने का समझ गए। अमावस के दिन ससुरा चंद्र ग्रहण लगले कौन फायदा? समझेंगे? पूर्णिमा के दिन चंद्र और अमावस के दिन हाँ सूर्य ग्रहण लगता है। याद रहेगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बीच में कौन आएगा? याद हो जाए। चंद्र ग्रहण के समय बीच में, चंद्र ग्रहण के समय बीच में, और सूर्य ग्रहण के समय बीच में कौन आएगा? चंद्रमा। सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? अमावस। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। कभी कभी क्या होता है ना कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आते हैं, लेकिन हल्का ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, तनी सा इसको ऊपर उठा दे 5 डिग्री तो तीनों दिख जाएगा। ये ऐसे दिख लेगा, ये हल्का सा उठा दे तो ऐसे दिख जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तीनों एक सीध में जब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिग्री का अंतर होता है। जैसे यहाँ चंद्रमा, यहीं पृथ्वी और यहीं सूर्य, तीनों एक सीध में हैं, लेकिन हल्का ऊपर नीचे। नहीं समझा सब? रुको दिखा, नहीं समझा, तुम नहीं समझा लोग, तुम लोग। ये एक सीध है, ये एक सीध दिख रहा है ना यहाँ पर, ये एक सीध है। किसी को दिक्कत? अब मेरा हाथ देखिए, इसे समझिए पृथ्वी, और ये काला वाला को समझिए अमावस का दिन का चंद्रमा। तो ये इसका जो बेट है, ये चंद्रमा, ये मेरा हाथ, और ये कलम सूर्य, तीनों एक सीध में है ना, लेकिन इस सूर्य को हल्का सा ऊपर उठा देते हैं, हल्का सा ऊपर। तो ये कहलाएगा 21 सीट में, क्योंकि ऊपर से देखिएगा ना, ऊपर से तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये ऊपर उठा हुआ है, आप सामने से देख रहे हैं सामने से, इसलिए आपको लग रहा है कि ये और ये एक सीध में है और ये उठा हुआ है। लेकिन अगर ऐसे देखिएगा तो बताइए लग रहा है क्या कि ये उठा हुआ है? ये नहीं लग रहा है उठा हुआ। तो जब कभी भी हल्का सा ऊपर नीचे का अंतर हो लेकिन एक ही सीध में हो तो उसे सिजवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजवी। क्या कहेंगे? सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाए तो, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाए, हाँ क्या करेगा? याद रहेगा? सूर्य पृथ्वी या चंद्रमा एक सीध में आ गया। क्या सिजवी के दिन ग्रहण लगता है? हल्का सा ऊपर नीचे हो जाता है, हल्का सा ऊपर नीचे। सूर्य, अब बताइए चंद्र, सूर्य ग्रहण 4 लग सकता है, चंद्र ग्रहण 3, समझ आ गया? लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो तो उसका रास्ते का क्या है, एक कितने रास्ते का ही उसका एक परिक्रमा है यहाँ पे। अब आप बताइए ध्यान से, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध की स्थिति को क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण के समय चंद्र ग्रहण के समय बीच में कौन आता है? सूर्य ग्रहण के समय बीच में। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? सूर्य ग्रहण तीनों एक सीध में हो जाए। अधिकतम चंद्रमा का कितना भाग, हाँ 59%, जब 59% दिखता है तो उसे क्या कहते हैं? सुपर मून। चंद्र ग्रहण के समय कौन सा मून? रेड मून। दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून, पहली पूर्णिमा को फुल मून, फुल मून। अमावस को पृथ्वी का जीवाश्म, चंद्रमा का अध्ययन सेरोमनी, चंद्रमा का अध्ययन सेरोमनी। याद रहेगा? सिंपल है कि नहीं है? अब हम आते हैं पृथ्वी पर, उतरते हैं, बहुत घूम लिए इधर उधर, उतरा जाए पृथ्वी पे। किप्रिक बेल्ट कहाँ पाया जाता है? वरुण के बाद। ध्यान से देखिए आप लोग, पहले 2 मिनट देख लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चंद्र पृथ्वी को देखते हैं कितना झुका हुआ है कितना नहीं झुका हुआ है। 1 मिनट देखिए फिर बताते हैं। एक लड़का पूछ रहा है दरोगा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? चक्कर पकड़ छोड़ दो, चुपचाप समर्पित हो जाओ 3 महीना। ठीक है, जिस स्पीड से क्लास चल रही है आपको आइडिया लग जाता होगा कि 3 महीना 3.5 महीना एनफ है इसके लिए। ठीक है, बशर्ते अपने मन से कुछ गलती ना करे लोग, तब प्रीवियस सेट बनाते रहेंगे। टाइम मिले तो स्टैटिक पोर्शन पढ़ते रहिएगा, जैसे स्टैटिक पोर्शन मतलब दिवस याद करते रहिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री याद कर लीजिए, समझ आ गया कि राज्यपाल वगैरह ये सब चीज़ें। सांसद कौन पूछेगा? 545 सांसद तुम याद करेगा। मंत्री वगैरह याद करते रहिएगा, करेंट का कुछ क्वेश्चन स्टैटिक होते हैं, बदलते नहीं हैं, ये सब चीज़ें याद करते रहेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा। ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में रहेंगे रह जाएंगे। सबसे सिंपल एग्जाम में है ये आपका, इससे टफ होगा बिहार पुलिस, इससे टफ होता है उसका क्वेश्चन। हाँ, मद निषेध करना, एक 1.5 महीना वेट कीजिए, वैकेंसी आ जाए। जब तक वैकेंसी आएगी ना, जब तक आपके दरोगा की वैकेंसी आएगी, आपका 50% हम कंप्लीट कर चुके रहेंगे, 50%, समझ आ गया? और जब तक फॉर्म भरिएगा ना 70% कंप्लीट, यानी फॉर्म जिस दिन तक भरेंगे ना आपका, आप कट ऑफ तक आपको पहुंचा चुके रहेंगे। उसके बाद आपको कुछ करना है करते रहे बस। उसी अभी खाली टाइम पे आप लोग चक्कर पकड़ नहीं कीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एने ओने नहीं भागिए गलो आ कोई लड़की किसी लड़का को डिस्टर्ब नहीं करेगी। एग्जाम पास आ गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं पृथ्वी को। हम समझा दिए हैं सबको। हाँ चलिए यहां देखिए, पृथ्वी सीधा है या झुका हुआ? हाँ कितने डिग्री? कितने डिग्री? अगर ये नहीं झुकी रहती तो पृथ्वी जो रहती वो सीधी रहती, ऐसे स्ट्रेट। अगर नहीं झुकी रहती तो रेड कलर वाला एकदम सीधा रहता। अभी झुका है इसलिए कितने डिग्री झुका है? 23.5। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी है। अच्छा अगर पृथ्वी के तल को देखिए ऐसे, तो यह रेखा यहां से कितने डिग्री? 6.5। बताइए पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री और तल से दोनों को जोड़ देंगे तो 23.5 और 4.5 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अक्ष से 23.5, तल से ओवरऑल में 90 डिग्री। तो क्या पृथ्वी 90 डिग्री पे सीधा है? 90 डिग्री पे सीधा नहीं है। जब भी आप किसी चीज को झुकाते हैं तो दो दो एंगलों से वो झुक जाता है। देखिए ध्यान से, ये जो चीज ये ऐसे, अगर हम इसको ऐसे झुकाते हैं, इधर झुकाए ना, इधर ही झुका देते हैं, समझने में ऐसे झुका दिए, तो आप इसका झुकाव दो तरह से नाप सकते हैं। ऊपरा से नापेंगे तो यहाँ बनने वाला एंगल और नीचवा से नापेंगे तो यहाँ बनने वाला एंगल। तो ऊपर वाले को कहते हैं अक्ष, ऐसे कहते हैं तल। तो झुका तो एक ही डायरेक्शन में, इधर से देखिएगा तो तल के साथ बनने वाला कोण और ऊपर से देखिएगा तो अक्ष से बनने वाला कोण। तो पृथ्वी को ऊपर से देखेंगे तो अक्ष से 23.5, अक्ष से 23.5 और तल से, अक्ष से तल से, अक्ष से तल से। पृथ्वी का झुकना बहुत जरूरी है ताकि मौसम बदल सके। झुके होने के वजह से ही सूर्य के पास भी गए थे नग्न तो ठंडिये पड़ रहा था। तो पृथ्वी अगर झुकी नहीं रहती तो मौसम में बदलाव कम देखने को मिलता, दिन और रात का बड़ा छोटा। अभी सबको हम लोग समझते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, ये तो समझ गए कितने झुकी हुई है। पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन। अपने अक्ष पे इसे क्या करती है? घूर्णन करती है। 24 घंटे में क्या करती है? एक चक्कर मार दे। इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही समुद्र जल छलकने लगता है, जिसे हम लोग ज्वार भाटा क्या कहते हैं? ज्वार। पृथ्वी का जल छलकने लगता है जिसे क्या कहते हैं? ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? बताइए ध्यान से, फटाफट बताएंगे आप लोग। घूर्णन के कारण दिन और रात होंगे कि नहीं होंगे? ज्वार भाटा किसके कारण? इस घूर्णन के कारण पृथ्वी पर एक हवाओं का एक झटका फील होता है, हवाओं का झटका, जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस बल। पृथ्वी के कोरियोलिस बल क्या कहेंगे? कोरियोलिस बल। याद रहेगा? कोरियोलिस बल किसके कारण? ज्वार भाटा, दिन और रात। लेकिन सूर्य का परिक्रमण के कारण मौसम बदलते हैं। मौसम का बदलना परिक्रमण, मौसम का बदलना। मौसम बदलेगा तो दिन और रात की अवधि बढ़ने घटने लगेगी। ठंडी में रात बढ़ा तो गर्मी में दिन बढ़ा। तो जब मौसम बदलेगा तो दिन और रात भी बदलेंगे, नहीं बदलेगा? तो परिक्रमण के कारण मौसम का बदलना, दिन और रात का छोटा बड़ा होना, ध्रुवों पर 6 महीना दिन 6 महीना रात होना, 6 महीना दिन और 6 महीना रात। हम घूर्णन सीधी करते हैं या 23.5 डिग्री पर झुककर? 23.5 डिग्री पर झुककर। तो मौसम बदलने के पीछे दो रीजन, सूर्य का परिक्रमण तो है ही है, साथ में पृथ्वी का झुकाव भी है, साथ में पृथ्वी का झुकाव। तो जब भी आप परिक्रमण बोलिएगा तो दिमाग में बैठा के रखिएगा परिक्रमण झुकाव के साथ, परिक्रमण झुकाव के साथ। 6 महीना दिन और 6 महीना रात घूर्णन के कारण या परिक्रमण? परिक्रमण के कारण। दिन और रात का बड़ा छोटा होना परिक्रमण, दिन और रात का होना घूर्णन, दिन और रात का बड़ा छोटा होना घूर्णन, वहां परिक्रमण। मौसम का बदलना परिक्रमण, ऋतुओं का बदलना परिक्रमण, दिन रात का बड़ा छोटा होना परिक्रमण, ध्रुवों पर 6 महीना दिन 6 महीना रात, हाँ ज्वार भाटा, कोरियोलिस बल, ज्वार भाटा, कोरियोलिस बल, तेज बोलिए। गर्मी सबसे ज्यादा। अल अजीजिया, अल अजीजिया तापमान क्या हो गया? अरे पानी पिलाओ ठीक हो जाएगा, बैठो तुम लोग, लड़का है ना उसको पानी पिलाओ ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ, ऐसे घबरा जाते हैं आप लोग। बैठिए बैठिए बैठिए, आगे बढ़े, सुनिए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्लियर? चलिए क्लियर है, क्लियर हो गया वो। अरे वो थोड़ा बहुत ग्रहण आते रहता है लड़कों के ऊपर, आप जी फुटल के बार कोई दिक्कत? लड़की सब का हंस रही, जानबूझ के जोर जोर से हंस रही है सर कि देखे वो फुटल का पार वाला जानबूझ के। तुम मत देखना, हाँ एकदम देखो हाथ जोड़ लिया एकदम एकदम, जब ज्यादा हंसे हो से सब तो जनमन ज्ञान बच के रही हो बउआ, जानबूझ के हंस रही है सब, देखो फिर हंस रही है ये बेचारा, वो सीधा लड़का है नहीं देख रहा था, जानबूझ के 80 डेसिबल पे हंसेगी। हाँ आगे बढ़े। पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण समझ में आ गया, ज्वार भाटा, दिन रात का बड़ा छोटा होना परिक्रमण, दिन रात का होना ज्वार भाटा, कोरियोलिस बल, ध्रुवों पे 6 महीना दिन 6 महीना रात, ऋतुओं का बदलना, दिन रात का बड़ा छोटा होना, मौसम बदलना, दिन रात का होना, 1 साल का होना परिक्रमण, 1 साल का होना। कितने दिन में परिक्रमा? 365। कितने दिन में घूर्णन? 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। नहीं बना लेंगे, कितना सिंपल है जी, पूरा अंतरिक्ष में दौड़ा दौड़ा के खोज खोज के हम लोग पकड़े हैं। अब देखते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह को थोड़ा सा, अब फिर पृथ्वी पे उधर। क्षुद्र ग्रह तो देख लिए, धूमकेतु, इधर सब लड़की बताओ उसको डिस्टर्ब कर रही थी सब, जो कौन डिस्टर्ब कर रही थी? तो तुम डिस्टर्ब नहीं होना जी, एकदम एकदम अडिग रहना एकदम ऐसे। चलिए ध्यान से देखिए, लड़का सब का हम बहुत ख्याल रखते हैं, नहीं रखते हैं? अब कई तो लड़की सब ना गुस्सिया के अंदर कहते हमरा अकस्मा कितना मानता था, ये मास्टर भड़का दिया पूरा, सब हमारे पे गुस्सिया रहती है सब। हाँ चलिए अब हम लोगों ने ग्रह देख लिया। सबसे पहले तो निहारिका, तारा, आकाशगंगा, श्वेत ये लाल दानो, श्वेत वामन, काला वामन, अभिनव तारा, क्वेसर, पल्सर, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, पूरा गर्दा उड़ा दिए। तारों का समूह आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा मंदार, हमसे सबसे करीबी आकाश, हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य, दूसरा सबसे करीब प्रोक्ष, सबसे चमकीला सूर्य के पास तारों का समूह नक्षत्र, नक्षत्र की संख्या 57, दूरी पे तारों का समूह तारामंडल 88। ध्रुव तारा किस दिशा को? उत्तर दिशा। ध्रुव तारा किस समूह के पास? सप्तऋषि। हाँ सप्तऋषि। सौर मंडल का मुखिया सूर्य, सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य। सूर्य तारा है या नहीं है? है। तारों के पास दो चीज होती है, उष्मा और प्रकाश। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम, द्रव अवस्था में यह प्लाज्मा। हाँ प्लाज्मा। 10 अरब साल में सूर्य कितना जी चुका? 5। और बिग बैंग कितने साल? 15 अरब साल। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटल। ब्रह्मांड निर्माण की थ्योरी बिग बैंग थ्योरी। ब्लैक होल किसने दिया? चंद्र से। ग्रह की संख्या 8। किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह? क्षुद्र ग्रह जब गति करता है तो उल्का, और गिर जाता है तो उल्का पिंड, उल्का। अब इस सूर्य का चक्कर ग्रह भी लगा रहा है, क्षुद्र ग्रह भी लगा रहा है, और हवा में घूम रहा धूल भी लगा रहा है। धूल कण, धूल कण, क्या धूल कण। जैसे जब क्षुद्र ग्रह आते हैं उल्का जल जाते हैं, क्या बनते हैं? जल जाते, जिसे टूटता हुआ तारा, तो उसका राखी बुरादा जो राख होकर बचता है वो धूल बन के घूमते रहता है। अब धूल बन जाता है, समझा गया कि नहीं? अब धूल बन के जाए कहाँ? समझा गया कि नहीं? समझा गया कि नहीं? क्या अब धूल बन के कहाँ घूमेगा? तो धूल कण बन के घूमेगा, जिसे हम धूम केतु कहते हैं। क्या कहते हैं? धूम। तो धूम केतु किसके बने होते हैं? धूल कण के। धूम केतु को अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं। किसके बने होते हैं? धूल कण के। किसके? धूल कण। किसका चक्कर लगाएगा? सूर्य का। जिसका कोई माई बाप नहीं उसका सूर्य है, समझ में गया? तो धूम केतु चक्कर लगाते हैं। हाँ सूर्य। या किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? धूल का। इसकी पूंछ आगे रहेगी कि पीछे? कौने जानवर का पूंछ आगे रहता है जी? पीछे। धूल कण है, वो आगे बढ़ेगा तो उसका पतला भाग पीछे हो जाए, तो इसलिए इसे पूंछ वाला तारा। उछलता, देखो नाम कितना इजी है, धूम केतु धूल कण का, पूछ पीछे तो पूछल तार। अंग्रेजी वाला दिमाग लगा, कॉमेट। दिमागी काम नहीं कर रहा है, कॉमेट कॉमेट कॉमेट, दिमागी काम नहीं कर रहा। लेकिन हिंदी में देखो, धूम केतु धूल कण का, इसका पूछ सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत, तो इसलिए पूछ वाला तार, पूछल तार, पूछल। अच्छा, छोटा छोटा रहेगा तो क्षुद्र ग्रह, जल गया तो उल्का, गिर गया तो उल्का पिंड, अंग्रेजी में मेटियोर, अंग्रेजी में मेटियोर। तो इसे देखता है सब, मेटियोर। व्हाट इज दिस? मेटियोर। याद कर लिया है सब। हाँ, एस्टेरॉइड फॉल ऑन द अर्थ इज नोन एज मेटियोर। जो उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरता है उसे क्या कहते हैं? मेटियोर। तो धूम केतु किसके बने होते हैं? इसका पूंछ सूर्य की ओर या विपरीत, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? धूम। पुछल तारा, पुछल तारा। हेली भी एक धूम केतु है, हेली भी है, एरगी भी है, सेरकी भी है, ये सब क्या है? सब धूम केतु। हेली नामक धूम केतु याद रखिएगा। कौन सा धूम केतु? बहुत फेमस है धूम केतु। किसका चक्कर लगाता? किसका? अगर कोई धूम केतु हम लोग से टकराएगा तो हवा में जल जाएगा, क्योंकि वायुमंडल है ये। कहीं गलती से ही टकरा गया चंद्रमा पे जाके, धप धप गिरेगा, एक के बाद धूल का आंधी आ जाएगा, और हम लोग को कुछ होगा? काहे? वायुमंडल है, वायुमंडल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? एक समय था जब एक बहुत सारे धूल कण टकराने वाले थे पृथ्वी से, तो नासा ने कहा था कि बहुत सारा टकराएगा, लेकिन दिक्कत नहीं है, सब जल के खत्म हो जाएगा। तो जब जलेगा सब तो चिंगारी जैसा दिखेगा, तो अखबार वाला छापा था सब। अब सूर्य नहीं डूबेगा रात में भी, रात में निकलेगा सूर्य। अजब हाल है। चाइना एगो मशीन बनाया जिसमें नाभिकीय संलयन किया, तो मीडिया वाला छापा अपना सूर्य बना लिया। हाँ, कुछ छाप देता है सर, कुछ से कुछ छाप देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। मीडिया वाला पे गवर्नमेंट का बहुत काम करता है सब, मीडिया वाला लिपापोती करने में मीडिया वाला रहता है सब ना। आगे बढ़ जाए। धूमकेतु याद रहेगा, पूछल तारा को ही धूमकेतु किसका बना होता है? किसका चक्कर? पूछ किधर? हाँ, सूर्य के। तो सूर्य का चक्कर, धूमकेतु या पूछल तारा भी, ग्रह भी, इनडायरेक्टली उपग्रह भी, क्षुद्र ग्रह भी, क्यूपरस बेल्ट भी। क्यूपरस बेल्ट, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, सब किसका चक्कर लगा? और जिस दिन ये सूर्य बंद हुआ, कुल कर्म होके रह गया। इसलिए सूर्य जरूरी है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्लास हम लोग